हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। तो गाइस, अभी जो है फिलहाल में इंडियन एयरफोर्स में एक नई वैकेंसी निकली हुई है, जिसके पोस्ट का नाम है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1-2025 एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो ये पोस्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 जनवरी 2024 को 12:03 में पोस्ट अपडेट की गई है। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ एयरफोर्स अग्निवीर वायु सिलेक्शन टेस्ट 2024 से ये निकली हुई है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन बिगिन तो 17/1/2024 से इस वैकेंसी की ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। और तो लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन तो लास्ट डेट है 6/2/2024, 6/2/2024 के पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। अब बात करते हैं पे एग्जाम फीस, लास्ट डेट तो पे मतलब जो फीस इसकी कटेगी 6/2/2024 लास्ट डेट है। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट आपका 17/3/2024, 17/3/2024 को इसका एग्जाम होगा और एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले होगा। तो यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस, तो इसकी एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए ₹550 कटेगी और SC ST के लिए ₹550 कटेगी। पे दी एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन मतलब इन माध्यम से पैसा पे कर सकते हैं। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर नोटिफिकेशन 01/2025। तो एग्जाम एज लिमिट यहाँ पर दी हुई देख सकते हैं आप, मिनिमम एज 17.5 साल चाहिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। और एज बिटवीन की बात करें तो 2/1/2004 से 2/7/2007 के बीच में आपका जन्म हुआ हो, तो इस चीज को आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट नेम है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01/2025। टोटल यहाँ पे नॉट अलाउ इसका मतलब भी जारी नहीं किया गया। और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम एलिजिबिलिटी, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी थी इसको आप अच्छे से देख लीजिए। 10+2 मांगा हुआ, 10+2 चाहिए मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। और 50% इंग्लिश में मतलब उसके लिए इंग्लिश में अलग 50% का मार्क होना चाहिए। तो और देखिए यहाँ पे 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन इंजीनियर, मतलब आप इंजीनियरिंग का 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस आदि, मतलब आप यहाँ पर अपने हिसाब से अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं 2 ईयर्स का या मतलब 2 साल का वोकेशन कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 50%, ये भी मतलब दिया हुआ, इसको भी आप और पूर्वक अच्छे से देख लीजिएगा। अदर देन सिंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 में 50% मार्क्स ग्रेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, इस चीज को आप देख लीजिएगा अच्छे से, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप अच्छे से इस चीज को देख लीजिएगा। अग्निवीर वायु इनटेक मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाइट मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होने चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। और इसके बाद आप इस चीज को देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स बेनिफिट्स ऑफ अग्निवीर, इस चीज को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे या तो यहाँ पर आप मतलब सैलरी दी हुई है, आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो गाइस ये रहा आज का वीडियो, तो गाइस कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।